यूं तो देश भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन अनेक मंदिर ऐसे हैं जिनकी बात ही कुछ और है। महाशिवरात्रि के मौके पर इन मंदिरों की चर्चा प्रासंगिक है। नर्मदा किनारे ओंकार पर्वत पर बना ओंकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध चौथे नंबर के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बिना चारों धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में रोज भगवान शिव और पार्वती यहां आकर चौसर पांसे खेलते हैं। यह सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पांसे की बिसात बिछाई जाती है। रात में गर्भगृह में कोई जा नहीं सकता, फिर भी कई बार वहां पांसे उल्टे मिलते हैं। इसी तरह इंदौर स्थित महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग महाकाल में बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए निरंतर 44 घंटे तक जागेंगे। साल में एक बार ही ऐसा अवसर आता है जब बाबा महाकाल पूरी रात शयन नहीं करते। कल देर रात 2 बजे मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के पट खोलकर भगवान को जगाया और 2:20 पर भस्म आरती की। यहाँ भी दूर दराज से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।